हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 11 जून हो गई है, और इस टाइम पे जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, सीजनल प्लांट्स होते हैं, उनको बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे गार्डन को हमेशा हरा भरा रखते हैं, वो हैं हमारे परमानेंट प्लांट्स। तो आज आपके लिए एक मैं वीडियो में थोड़ा लंबा इसलिए भी हो गया है क्योंकि लिस्ट लेकर आई हूँ कि आप कौन से प्लांट्स को जगह दें अपने गार्डन में कि आपका जो गार्डन है हमेशा हरा भरा लगे, आपका घर हमेशा हरा भरा लगे और साथ में कलर्स भी ऐड होते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विस्ट्रिया की बेल से। तो देखिए कितनी ग्रीनरी इसमें बनी हुई है और फ्लावरिंग हो रही है। तो स्प्रिंग के बाद से इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है और इस टाइम पे बहुत ही इसके जो कलर्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, उनसे हमारे गार्डन में एक ग्रीनरी बनी हुई है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह, तो इसको भी आप जगह दे सकते हैं। दूसरा फूल है दोस्तों लिसियांथस। लिसियांथस की खूबी ये है कि अगर 45 डिग्री 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो रहा है तो इसकी फ्लावरिंग जो है होती रहती है। इसको गर्मी का मौसम पसंद है और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। बाकी दोस्तों, ये जो प्लांट है ये इसलिए भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि पूरे साल भर ये ग्रीन बना रहता है। जैसे गुलदावरी की पौध होती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है, उसके सकर्स निकलते रहते हैं, उसी तरह से इसके भी सकर्स निकलते रहते हैं। और आप चाहें तो इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे बरसात में आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बरसात से, पानी से बचाना है, ठंड से थोड़ा बचाना है, बाकी ये पूरे साल भर हमारे साथ चलता है। आजकल नर्सरीज में अगर आप जा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे लिसियांथस बहुत ज़्यादा आ रखा है, तो ये सही टाइम है इस पर इन्वेस्टमेंट करने का या इसको घर लाने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कलर्स कितने खूबसूरत हैं इसके, बिल्कुल गुलाब की तरह इसके फूल होते हैं दोस्तों। बस इसमें खुशबू नहीं होती है, बाकी आप इनको लेकर आएं जो भी आपकी चॉइस के हैं, और इन गमलों को अभी तो आप फूल का मज़ा लें और बाद में आप इन्हीं जो पॉट्स हैं उनमें इनको छोड़ दें तो इसके जो सकर्स हैं वो निकलते रहते हैं। आने वाले टाइम पे जब स्प्रिंग आएगी तब इसमें और शूट्स आती हैं फिर, और फिर आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी सैपलिंग्स हमारी पास कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं भी मिलती है, या जिनसे हम लेते हैं उनका बीज नहीं हो पाता कई बार, या फिर उनका वो कहते हैं इस बार आया नहीं है। तो आप हमेशा अपने पास कुछ परमानेंट प्लांट्स रखिए जिससे कि अगली बार भी आप इससे और पौधे लगा सकें और इसकी जो फ्लावरिंग है उसका मज़ा ले सकें। देख रहे हैं आप कितने प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं और बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत प्यारा लगता है। इसका मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो है दोस्तों, और उसमें पूरा ए टू जेड जानकारी दे रखी है, सैपलिंग लगाने से लेकर प्रूनिंग, इसकी पिंचिंग, और फिर इसमें फर्टिलाइज़र डालना, और फिर फ्लावरिंग तक का पूरा सफ़र मैंने इसका तय करा है। तो आप चाहें तो इसकी भी जानकारी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है दोस्तों लिसियांथस, इसको आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और इसके कलर्स वेराइटीज़ बहुत प्यारी प्यारी होती है, इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल, और डबल शेड का, सिंगल शेड का, बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर्स आते हैं दोस्तों। तीसरा फूल है मेरा जो बहुत ही प्यारा फूल होता है, ये है रेन लिली। और रेन लिली में दोस्तों ग्रैंडी फ्लोरा वेराइटी आती है, थाईलैंड वेराइटी आती है, बहुत सारे इसके कलर्स कॉम्बिनेशन अब आने लग गए हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल, हर तरह के फूल आते हैं। तो ये तो देसी वाली जिसको कहते हैं ना, बड़ा बड़ा फूल, ग्रैंडी फ्लोरा वेराइटी, ये वो है। और ये मेरे 5-6 साल पहले के बल्ब्स मेरी एक ट्रे में रखे हुए हैं, मतलब मैंने इनको लगा रखा है, जैसे दो दो तीन तीन ट्रे पिंक की हो गई। इसमें मेरे पास येलो कलर है, वाइट कलर है, तो वो अपने टाइम पे जैसे बारिश पड़ती है तभी ये खिल जाते हैं। और जो इसकी थाईलैंड वेराइटी है उसको बारिश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरे साल खिलती है, सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी को छोड़कर वो पूरे साल आपके साथ खिलती रहती है। तो दोस्तों, थाईलैंड वेराइटी के बल्ब्स भी मिलते हैं, लेकिन वो जो बल्ब्स होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन पैसा वसूल बल्ब्स होते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस उसके बहुत प्यारे आते हैं। अगर आपको थाईलैंड वेराइटी की रेन लिली चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उषा जी का कैटेलॉग लिंक दे दूंगी, फ़ोन नंबर दे दूंगी, आप चाहें तो उस पर जाकर उनसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्यारे प्यारे फूल आप देख रहे हैं, ये जितने ज़्यादा पुराने होंगे बल्ब्स उतनी ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होगी। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सैपलिंग्स लगाते हैं तब तो बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, लेकिन अगले साल तक वो पुराने हो जाते हैं या फिर हमें उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं। लेकिन बल्ब्स के साथ ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे वो मैच्योर्ड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग
ग्रेविंग देखने को मिलती है, और इसी गमले से आप बहुत सारे गमले बना सकते हैं, बहुत सारे बल्ब्स लगा सकते हैं। तो ये जो मौसम आ रहा है मॉनसून का, उसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है रेन लिली। तो आप इसको लगा लीजिए, और गर्मियों से शुरू हो जाती है खिलनी जैसे ही बारिश पड़ती है, और उसके बाद ये पूरा हमारे साथ सितंबर तक बनी रहती है, और जैसे जैसे बारिश इन पर पड़ती है और वैसे वैसे हमारे पास फूल खिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है उस टाइम पर एक और फूल खिलता है, वो है वाटर लिली। तो वाटर लिली भी जो है, अगर आपके यहाँ आप एक्वेटिक प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो वाटर लिलीज लगाइए, बहुत प्यारा है ये फ्लावर भी। और ये सारी जो मैं पिक्स आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पिछले साल के जब मॉनसून है आया था उस टाइम की हैं। तो दोस्तों, जो वाटर लिलीज हैं ये मैं मार्च से मैंने इसको लगा दिया था, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं उनको हमने मार्च में ग्रो किया था, और अब इस टाइम पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, जैसे कि ये टब्स हैं मैंने इनमें लगा रखा है, इसमें मॉलीज डाली हैं। तो अगर कई मेरे भाई बहन होते हैं वो डरते हैं कि मच्छरों की ब्लीडिंग हो जाएगी, या उस ब्रीडिंग से वो मलेरिया डेंगू वगैरह फैलने का खतरा बना रहता है, तो आप इस तरह की मॉलीज डाल दीजिए तो आपके जो सेफ़ रहेंगे और इसमें कोई भी मच्छर वगैरह भी नहीं पनप पाएगा। दोस्तों, इसी में अगर आप चाहें तो लोटस लगा सकते हैं, ये मेरे इसी बार के लोटस हैं, और मैंने इनको दोस्तों मार्च में ग्रो किया था, और इस टाइम पे जून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये मुझे दे रहे हैं। तो इस तरह के आप लोटस लगा सकते हैं, ये भी एक अच्छी चॉइस है। अगर आपको इनके ट्यूबर्स, इनके बल्ब्स वगैरह जो भी है, आप उषा जी से मंगा सकते हैं, वो अमरावती में रहती हैं, और इसका कैटलॉग लिंक मैं दे दूँगी, जैसे मैंने बताया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप इतने मोटे मोटे फूल जो मिरेकल के खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं लोटस के, और ये मैंने मार्च में ग्रो किए थे, और इस टाइम पे देखिए 2 महीने बाद ही मुझे इनके फ्लावर्स मिलने लग गए। तो जो ये हाइब्रिड वाले लोटस होते हैं बहुत अच्छे फ्लावरिंग देते हैं, और छोटी सी जगह में आप इनको लगा सकते हैं, मतलब आप टब में इनको लगा सकते हैं। ये थैमो वेराइटी है, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, इसमें भी बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं। ये तो कली है, देखिए आप कितनी मोटी सी है, और इस पर सब पर मेरी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, लोटस पर, वाटर लिलीज पर, तो आप उस पर जाकर मेरे चैनल पर इनको देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी कली खिली है, ये कितनी सारी इसमें पेटल्स हैं। तो दोस्तों, बहुत सुंदर खिलते हैं ये लोटस, और मॉनसून के लिए तो बेस्ट हैं ये। और ये अब तक, मतलब जैसे हमने मार्च में लगा दिया था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी फ्लावर्स इसमें आते रहते हैं, और बहुत बढ़िया खिलते हैं। फिर क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ, तो नवंबर से थोड़ा डॉर्मेंसी पीरियड इनका स्टार्ट हो जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो दोस्तों, फिर ये फरवरी से आप इनको, इनके जो बल्ब्स हैं उनको फिर लगा लीजिए, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। फिर एक चॉइस बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर आपके ज़्यादा सनलाइट नहीं भी आती तो भी ये फ्लावर्स चलता है, ये है मैंडीविला। तो मैंडीविला की बेल बहुत सारे कलर्स में आती है, सारे कलर्स आपको दिखाऊंगी जो जो मैंने लगाए हैं। ये वाइट कलर का है, और देखिए बहुत खूबसूरत फूल है। तो दोस्तों, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वाइट वाली वैरायटी है, तो ये तो सबसे ज़्यादा यही खिलती है, बाकी इसको जितना आप छाया में रखेंगे उतनी भी फ्लावरिंग देगी, लेकिन इसमें जब सूरज छिपता है उस टाइम की धूप पड़ती है, थोड़े से इसके जो पत्ते आप देख रहे होंगे पीले हो गए हैं, लेकिन जैसे कि अब 15 जून के बाद इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी होती है, और इसकी आप चाहें तो इसकी कलम लगा सकते हैं, गुट्टी बांध सकते हैं। ये देखिए पिंक कलर, और साइड में वाइट कलर की इसमें शेड आई हुई है, वेरीगेटेड सा लग रहा है थोड़ा। बहुत सुंदर फूल खिलते हैं दोस्तों इसमें, और मैंने इसको गमले में लगाकर एक स्टैंड पे चढ़ाया हुआ है, जिससे कि इसकी थोड़ा सा टोपियारी टाइप बनी हुई है। देख रहे हैं आप ऊपर की साइड कितने सारे फूल खिल रहे हैं। तो बहुत प्यारा होता है फूल ये मैंडीविला, आजकल आपको नर्सरीज में मिल जाएगा, अच्छी नर्सरीज में आप इसका पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो बेल है ये थोड़ा महंगी ज़रूर होती है, 300 से लेके 500 के बीच में ये आपको देते हैं, कहीं 350, कहीं 450, अलग अलग रेट है होते हैं, नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करता है कि आपको कितने की मिलती है। लेकिन जो फ्लावर है ये बहुत प्यारे खिलते हैं, इसमें खुशबू नहीं होती दोस्तों, लेकिन फूलों का जो साइज है आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा है, बिल्कुल एलमंडा के फुलार की तरह लग रहा है, लेकिन ये जो है मैंडीविला है, और कलर्स इसमें बहुत सारे आते हैं। देखिए ये रेड कलर है,
दिखा दूँ आपको, रेड कलर है, कुछ कुछ मरून कलर है इसमें, और डार्क पिंक मैजेंटा कलर आता है, लाइट पिंक कलर आता है, ये देखिए ये मैरून वाली वेराइटी है। तो इस तरह ये तीन अभी मुझे बेलें मिली हैं। और दोस्तों ये मैंने 450 रुपये बोल रहे थे वो एक बेल का, लेकिन मैंने 350 में तीन ली हैं, 350 पर मतलब पर पीस लिया है। और इन्होंने हैंगिंग बास्केट्स में इनको लगा रखी हैं। तो दोस्तों ये जो बेलें होती हैं मैंडीविला परमानेंट प्लांट होता है, थोड़ा कॉस्टली मिलता है इसलिए, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर लीजिए। और इसमें ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा तेज़ सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसको आप छाया में रखें और ठंडी ठंडी इसको धूप मिलती रहे, फिल्टर सनलाइट मिलती रहे, तो ये 12 महीने हमारे साथ बने रहते हैं। देखिए फ्लावर खिल गया है कितना सुंदर। और दोस्तों रेड वाला और मैरून वाला बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसको पहले भी लाई थी तो मेरा पिंक और वाइट तो बहुत अच्छे से चल गया, लेकिन जो रेड वाला था वो मैं बचा नहीं पाई थी। तो ये देखिए इस बार मैंने फिर लाई हूँ, तो बहुत खूबसूरत फूल है। मैंडीविला भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत प्यारे लगते हैं। फिर सबकी चॉइस तो है ये देखिए पॉर्चुला का, तो पॉर्चुला का हम सबके घरों में होता है। इसमें दोस्तों दो वेराइटी आती है, ग्रैंडी फ्लोरा आती है, एक हाइब्रिड आती है। तो ये वाले जो है हाइब्रिड हैं, तो इसके कलर्स बहुत सारे आ जाते हैं और ये भी पूरा मॉनसून हमारे साथ चलते हैं। फिर आप चाहें तो सर्दियों में भी इनकी कटिंग्स को संभाल सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसके दोस्तों सीड्स बनते हैं और सीड्स जो गमले में गिर जाते हैं तो अगले साल फिर इसकी जो पौधे है वो हमारे गमलों में निकल जाती है। लेकिन एक वैरायटी जो आती है वो होती है देसी वाली, वो पूरे परमानेंट ही चलती है। और उसकी आप बास्केट्स में या किसी उसमें ट्रे में लगा देंगे तो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। ये लिसियांथस है दोस्तों, देखिए ये मैंने टब में जो लगा रखे हैं। और ये देखिए इसकी पिंक वाली वैरायटी कितनी सुंदर लग रही है। तो ये भी इस तरह से दोस्तों खिलते हैं। फिर एक पर्सलेन होता है जो ये सिंगल पेटल आप देख रहे हैं कितने प्यारे हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटी होती है पर्सलेन की, जैसे आप देख रहे हैं सिंगल पेटल है होता है, इसमें डबल पेटल भी आता है, सिंड्रेला वेराइटी आती है इसकी, बहुत सुंदर बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इसके। और ये बिल्कुल घास की तरह होता है, आप एक बार इसको गार्डन में ले आएंगे पर्सलेन को तो कभी भी नहीं जाएगा। बस सर्दियों में आप इसको थोड़ा बचा लेंगे अगर, तो उस टाइम पे, क्योंकि फ्लावर्स ज़्यादा हो जाते हैं कई बार जो ये प्लांट्स हैं ये नेगलेक्ट हो जाते हैं हमसे, लेकिन अगर आप इनको इनकी कटिंग्स को लगा के रख देंगे तो ये हमेशा साल भर हमारे साथ बने रहते हैं। तो जैसे जैसे मानसून का सीज़न आ रहा है वैसे वैसे इनकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मॉनसून का एक बहुत ही प्यारा फूल है, देख रहे हैं आप पहचान भी पा रहे होंगे, इसको आम भाषा में बोला जाता है भ्रम कमल। दोस्तों ये भ्रम कमल नहीं है वैसे, तो वैसे एपिफिलियम की वैरायटी होती है, ये एक सैक्यूलेंट है, लेकिन इसको नर्सरी वाले या आम तौर की भाषा में हम लोग बोलते हैं भ्रम कमल। तो दोस्तों ये सफ़ेद वाला है और ये इस बार मैंने मंगाया था, देख रहे हैं आप ये छोटे छोटे जो पॉट्स पे मेरे लगे हैं ये अलग अलग कलर्स के एपिफिलियम्स हैं दोस्तों। यहाँ पे ये पिंक कलर है, इसमें ऑरेंज कलर, ये कट कट वाली जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, और अलग अलग कलर्स उन्होंने कह के भेजे हैं। तो बाकी तो दोस्तों जब खिलेंगे तभी पता लग पाएगा, बाकी इसकी ग्रोथ आपको दिखाती हूँ। छोटी छोटी लीव्स इनमें अब बनने लगी हैं और नए नए ये जो लीव्स हैं ये अभी मेरे घर में ही आके शुरू हुई है। तो ये तो लग रहा है कि पौधा चल पड़ा है, लेकिन फ्लावरिंग कब होती है, कितने साल में होती है, क्योंकि मैंने जिनसे मंगाया था उन्होंने कहा एक साल बाद होगी, तो इसीलिए। और दोस्तों अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाकर छाया में टांग देंगे या किसी पेड़ के नीचे टांग देंगे तो ये बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये विदेशों में होते हैं, यहाँ पर मिलते कम हैं या फिर इनमें फंगस लग जाती है बहुत ज़्यादा पानी डालने से। और ये आप बहुत प्यारे से जो प्लांट देख रहे हैं ये कौन से हैं पता है आपको, ये हैं कैलिडियम्स। तो कैलिडियम दोस्तों ये थाईलैंड वाला कैलिडियम है, देखिए कितने इसके जो पत्ती के कलर्स हैं बिल्कुल अलग हैं। और ये मैंने 4 मंगाए थे दोस्तों, और ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो इस तरह से अगर कैलिडियम्स के बल्ब मिल जाएं आपको तो ये भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे इन पर बारिश पड़ेगी, मौसम में ह्यूमिडिटी होगी, वैसे वैसे इसके पत्तों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पत्ते भी होंगे और पत्ते बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से एक आप ये भी लगा सकते हैं, इतनी
इस गर्मियों में भी इसके बल्ब्स को आप उगा सकते हैं और फिर इसको मानसून तक इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे जितने भी आपको प्लांट्स सिखा रही हूँ सब परमानेंट हैं और पूरे साल हमारे साथ बने रहते हैं। शर्त ये है कि आप इनको बचा लें और आपको इनके बारे में नॉलेज हो कि इनको कैसे सेव किया जाता है। बाकी ये आपके मतलब पैसा वसूल प्लांट्स आपको बता रही हूँ कि ये नहीं है कि बस इस सीज़न लगाया अगले सीज़न ख़त्म, नहीं। और इस साइड आपको सिर्फ इसलिए पोथोस के पास लेकर आई हूँ, इसमें ये फिलेडेंड्रॉन्स की वैरायटी है, पोथोस की वैरायटी है, कि इस तरह की जो आप मनी प्लांट जिसको कहते हैं या फिर फिलेडेंड्रॉन्स हैं कुछ तो इसमें, तो बस उनको आप परमानेंटली लगा लीजिए। मॉस ग्रास पे चढ़े हुए हैं तो अलग अलग कलर्स हैं इसमें, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो ये भी आपके घर को काफ़ी ग्रीनरी देते हैं। जिस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फूल भी कम हो जाते हैं, उस टाइम पे इन वाले प्लांट्स का सहारा रहता है। तो दोस्तों ये देखिए, एक नर्सरी से मुझे ये नया तरीके का मनी प्लांट मिला कुछ, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। इसका पीछे का पत्ता रेड कलर का है और आगे के पत्ते इसके ग्रीन कलर के हैं, तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ अलग सी वैरायटी लगी जो कि मेरे पास नहीं थी, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। तो दोस्तों आप जैसे हर मौसम में नर्सरी विज़िट करा करें, कई बार क्या होता है मौसम के हिसाब से नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आप अपने कलेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये कितने बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, ये प्रेमोला चंपा के हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत फूल हैं और ये रेड कलर के फ्लावर्स हैं। तो जिस टाइम पे मैंने इनको लिया था तो मैंने 450 रुपये का एक पेड़ लिया था ये वाला, और उस टाइम पर मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था क्योंकि ये रेयर वेराइटी है, रेड कलर है और रेड हमेशा नहीं मिलता। तो लेकिन अब मैंने इससे कलम बहुत सारी तैयार कर ली हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारे फूल होते हैं और आप लगा सकते हैं। ये आपको बार बार इसके पास इसलिए ले आती हूँ, ये ओरिएंटल लिलियम्स हैं या ओरिएंटल लिली जिसे बोलते हैं, और ये लिलियम्स की ही वैरायटी होती है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े फूल हैं ये, और देखिए कितने सारे और कब से खिल रहे हैं, तो कुछ तो ख़त्म हो गए तो मैंने उन्हें काट दिया। अब ये दो स्टिक जो हैं ये लास्ट हैं और हो सकता है फिर दोबारा से रीब्लूम कर जाएं। तो यहाँ से नीचे से मैंने सब कट कर दिए थे यहाँ पर, और इसमें से देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, 5-5, 6-6 फूल एक साथ खिलते हैं और बहुत बड़ा साइज़ होता है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी, तो ये बुके वगैरह में लगाने के काम आते हैं। तो दोस्तों बाकी तो जो एक बार आपको गार्डन का थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ कि इस तरह से यहाँ मैंने कूचिया लगाया है, और कूचिया आप लगा सकते हैं, आपके घर को गार्डन को ग्रीनरी देगा और इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है, लेकिन एक कई बार क्या होता है हमारे गार्डन में हरियाली ऐड करने के लिए हमें कूचिया भी लगा लेना चाहिए, कहीं जिस टाइम पर फूल कम हो तो कुचियों का जो है इससे ग्रीनरी बनी रहती है। इधर कुछ श्रिम्प प्लांट्स हैं जो कि परमानेंट हैं, फ्लावर देते रहते हैं। कैलेमिटीज़ की बेल है जो जिसे रजाई कहते हैं, ये देखिए ऊपर की साइड पूरी खिल रखी है, और इस टाइम पे बरसातों में मानसून में ये पूरी फूलों से भर जाएगी और उस टाइम पे ये फूलों के साथ साथ खुशबू भी हमारे गार्डन को देगी। तो इस तरह से आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। कई बार क्या होता है कि जब फूल कम हो जाए, सीजनल प्लांट्स ना हो, तो उस टाइम पे ये वाले जो परमानेंट फ्लावर्स होते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों चलते चलते आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये डेको प्लांट्स हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स हैं आप ये लगा सकते हैं, पाम्स लगा सकते हैं, और ये परमानेंट हैं, हमेशा हमारे गार्डन को ग्रीनरी देते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय।